सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं महावीर जैन हूँ। देखिए मूर्ति कैसा है, देखिए आजू बाजू में यक्ष यक्षिणी का भी है। देखिए यक्ष यक्षिणी थोड़ा भी ये नहीं हुआ है, मग्न नहीं हुआ है। को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम महावीर जैन है। मैं भारतवर्ष के तीर्थ संरक्षण महासभा में प्रतिनिधि का काम करता हूँ। देखिए अपना जैन समाज का क्या हालत हो रहा है। देखिए मैं महाराष्ट्र प्रांत में आया हूँ। इधर मैं आज तक 20 बार आया हूँ। ये गडिंग्लज तालुका में आता है, सरोली गांव है इसका। देखिए मेस्त्री से 5 किलोमीटर रास्ता है। देखिए यहाँ मैं 10-20 बार आया हूँ तो बोलते 2-3 बार यहाँ पे मुकुंद पाटिल जी से मिले, बोले जीर्णोद्धार करो। बाद में ग्राम पंचायत में भी बोले, बोले आप जीर्णोद्धार करो। तो देखिए अचानक कल फोन किए, देखिए हमारा गांव का विरोध है इस मंदिर बनाने के लिए। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ अपना जैन समाज का कितना प्राचीन मूर्तियाँ है, और देखिए शिलालेख कैसे पड़ा हुआ है। देखिए आप जैन समाज लोग आइए। देखिए आजकल देखो कोरोना का हाल है, आपको घर में बैठे हो। देखिए आइए इधर देखिए, आपसे देखिए आपके कारण जो मंदिर बन जाएगा तो अच्छा ही है। देखिए आ जाइए। देखिए पूरा बिल्कुल देखिए देखिए ये सब बारिश में भी हम लोग आए हुए यहाँ पे। कल हमको फोन आया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गांव का विरोध है, इसलिए हम लोग बारिश में भी आया है। देखिए एक बार इधर आ जाइए आप। यहाँ पर संजय जी कनीरे जी आके गए हैं जी, उनका भी हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखिए आइए एक बार इस मूर्ति को देखिए। आप भी ग्राम पंचायत में बोलिए, इसका परमिशन निकाल दीजिए। इसके लिए भारतवर्ष तीर्थ संरक्षण महासभा ने इसके लिए जीर्णोद्धार के लिए फंड तो रिलीज कराया है, लेकिन गांव का विरोध है। आप सब जो मिलके आइए यहाँ पर देख लीजिए। आपको और एक मैं शिलालेख दिखाता हूँ कैसा हालत में है। देखिए भाई साहब अपना शिलालेख देखिए, जमीन के अंदर वो 5 फीट का है, जमीन के अंदर 4 फीट तक गया है। देखिए रास्ता में पड़ा है, गंदा गंदा नाली पड़ा है। देखिए यहाँ पे स्टार गुप्ता का सब पूरी वीडी देख देते हैं। देखिए कैसा हालत बना है। देखिए ऐसा ही गांव में कम से कम 20-25 मिलेंगे आपको। और इधर एक जमीन है मुकुंद जी पाटिल का, उनका घर के सामने, उधर भी ऐसा 10 जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। देखिए आइए आप सब लोग मिलके इसका जीर्णोद्धार करेंगे। आपको और एक बार जय जिनेन्द्र बोलता हूँ। जय जिनेन्द्र।